आरो बन रहे हैं, दो आरो है, एक तो धीमी गति से चल रहा है, ये स्टेशन वाला ये और मानासर वाला ठीक चल रहा है, स्पीड नहीं है। ये एग्रीकल्चर कॉलेज बन रही है, लगभग तैयारी है। तैयार भी बहुत काम अच्छा कराते हैं, हमारे रिंग रोड है वो भी अच्छी चल रही है और काम चल रही है, और ये दो पुल है ना वो भी चल रही है, काम अच्छा चल रहा है। नागौर की दृष्टि से उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, क्योंकि वो शिक्षित हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। औसत में सीआर साहब अच्छे हैं, वो काम करने की ललक है उनमें और नागौर जिले के लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नागौर हेडक्वार्टर है, यहाँ पे इतना जो काम जैसा होना चाहिए थे उस तरह से पूरा ये काम नहीं कराता। यहाँ की जनता पब्लिक जो ज़्यादा परेशान है यहाँ की व्यवस्थाओं से, रोड से, और मेन जो हमारा हृदय स्थली जो नागौर का सिटी अस्पताल जो है, तो नागौर का जो अस्पताल है जहाँ यहाँ के 1 लाख की जो पब्लिक है उनको डेली जो परेशानी होती है, चाहे वो डिलीवरी के रूप में हो, माँ के रूप में या बच्चों को बीमारी हो, किसी तरह की बीमारी हो, तो उनको यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाने के अंदर दिक्कत होती है। और अभी ये पुल बनने के बाद जो साल भर से, जैसे 1.5 साल से पुल की बात है, जो भी पूरा नहीं हो पाया काम अभी तक। मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ का जो प्रॉपर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर सभी तरह की सुविधाएं दी जाए, ताकि आम आदमी जो दिल्ली दरवाजा बाहर रहता हो, चाहे शारदापुरम रहता हो, कहीं पर रहता हो, 10 रुपये टैक्सी के अंदर वो सीधा यहाँ अस्पताल पहुँच के अपनी सेवाएँ प्राप्त कर सकता है, और रात को चाहे 2 बजे तो भी यहाँ पर कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। जो अस्पताल हमारे यहाँ पुराना बरसों से जो सेठ पीती साहब ने जो बनाया था, रामदेव जी पीती ने, उनके बच्चे आज भी उस अस्पताल को चलाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ के सांसद जो उन्होंने पूरा सपोर्ट नहीं किया है, और यहाँ के MLA साहब ने भी पूरा सपोर्ट नहीं किया था पहले जो थे। जो पशु मेला है, ये जो छोटे मोटे ड्राइवर रोक लग गई है वो हटानी चाहिए जी, ठीक है। और ये तांगा दौड़ है ये भी बंद रहे, इसको वापस शुरू कराना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा है पानी का, ये पानी खूब बहुत कम आता है, वो तो ये नागौरी नस्ल के बैल है जो ये हुआ नहीं अभी तक क्लियर, इनकी रोक हटनी चाहिए। और हमारे नागौर तांगा दौड़ है वो भी चालू होनी चाहिए, पूरी नागौर जनता का रास्ता है ये, राजस्थान का पूरा, और इसको उम्मीद है हमें कुछ करवा देंगे। धन्यवाद। पुल है, जो भी इन्होंने जो वादे किए थे वो भी वादे छोटे मोटे पूरे किए, ट्रेनों की सुविधा भी पूरी नहीं हो पाई थी, यहाँ ट्रेनों के ठहराव ऐसे है नहीं, कुछ ट्रेनें ऐसी है जो डायरेक्ट निकल जाती है, कई ट्रेनें जो यहाँ रुकनी चाहिए तो पब्लिक वहाँ से पहुँच नहीं पाती। एक जो दिल्ली की संपर्क क्रांति ट्रेन चलती है उसको क्यों नहीं डेली यहाँ से कर दिया जाए, जो सप्ताह में 3 दिन यहाँ से चलती है तो उसको 7 दिन यहाँ से कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन जब नागौर शहर की बात आती है या जिले की बात आती है तो उसमें जैसे सबसे नागौर शहर का ये पुराना अस्पताल है वो एक मार्मिक है, गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए। तो पहले अस्पताल था उसको बंद कर दिया गया और उसकी एवज में वो है, तो ये काम थोड़ा गलत है। बाकी तो सीआर साहब बहुत अच्छा एवरेज में काम कर रहे हैं और उनकी लालसा भी है, वो काम करने के इच्छुक भी हैं। और एक बात है, जैसे आज मान लो फार्मासिस्ट है तो नागौर शहर में, नागौर जिले में, मेरे ख्याल से हो सकता है राजस्थान में भी, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री है, तो उसमें फार्मासिस्ट तो दर दर की ठोकरें खा रहा है।